देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, ज़ेलेंस्की की उम्मीदें क्या हैं और अमेरिका से। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, महेश सचदेव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत नेवी कमांडर अशोक बिजलवान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सोई सर, सीधा सा सवाल है, ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए इस दौरे? ज़ेलेंस्की पिछले 300 दिन से लड़ाई लड़ रहा है रशिया के साथ, और उसको चाहिए हथियार सपोर्ट और फाइनेंशियल एड, और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी सपोर्ट। यही बात अगर आप देखें तो अमेरिका ने एक तरह से पहले अनाउंसमेंट हो गया है कि $1.8 बिलियन तक की एड अमेरिका और देने को तैयार है, जो कि तकरीबन $20 बिलियन की एड मिल चुकी है उसको ओवर ए पीरियड ऑफ 300 दिन अलग अलग सोर्सेस से। तो ये जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी, और जब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा इजाफा रहेगा कि मैं गया और कुछ लेकर आया हूँ, और जो युद्ध के लिए एक काफी, और जो वेपन सिस्टम अमेरिका भी देने का वादा कर रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे वो पेट्रियट सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम है या और रडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये सब चीजों से उसकी सेना को और युद्ध लड़ने की क्षमता। बिल्कुल, तो ज़ेलेंस्की को इस अमेरिका दौरे से हासिल क्या होगा उस पर रहेगी नजर, लेकिन काउंटडाउन देखिए ऑन हो चुका है। 15 दिसंबर को अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा रूस युद्ध जीतेगा या दुनिया खत्म होगी। एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने उनसे मॉस्को में बहुत बात की और पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आई। अलेक्जेंडर दुगिन का बयान, 17 दिसंबर का वक्त, पुतिन वॉर रूम में पहुंचे और कमांडर से बातचीत की, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, पूरी डिटेल आपके सामने है इस वक्त। 20 दिसंबर पुतिन बेलारूस पहुंचते हैं और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ उनकी अहम मुलाकात होती है। आज अमेरिकी दौरे पर है ज़ेलेंस्की, जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और आज रक्षा अधिकारियों के साथ पुतिन की भी अहम बैठक है, यानी इतना कुछ एक साथ चल रहा है। यूके देवनाथ साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, और हमने देखा है इन 300 दिनों में अमेरिका की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है यूक्रेन को, लेकिन एक तरह की लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है जिसको लांघने की गुजारिश बार बार ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही, कुछ बड़ा होगा क्या? समीर, ज़ेलेंस्की बार बार अब बोलते रहे हैं कि उन्हें पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम चाहिए, राइट, लेकिन अमेरिका अभी तक ज़ेलेंस्की को कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस हथियार देने से बाज आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि ज़ेलेंस्की ने अगर गलती से इन मिसाइल्स का इस्तेमाल रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक करने में कर दिया तो युद्ध का जो परिभाषित एनवेलप है वो बदल जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध जो है किसी भी तरह से अमेरिका बनाम रशिया डायरेक्टली बन जाए। अमेरिका सिर्फ चाहता है कि वो छोटे छोटे शस्त्र देता रहे, अस्त्र देता रहे, ताकि ये युद्ध यूक्रेन के भूमि के अंदर ही सीमित रहे। एक और चीज मैं बता दूं, राष्ट्रपति पुतिन भी शायद दिलो दिमाग से यही चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि अगर इस युद्ध में डायरेक्टली नेटो के देशों ने छलांग मार दी या अमेरिका ने अगर यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार देने शुरू कर दिए तो रूसी आर्मी के लिए यूक्रेन की जमीन के अंदर ये युद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो हो ही रहा है, लेकिन सर वो तो हो ही रहा है, 300 दिन हो गए और अभी तक रूस जीत नहीं पाया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है इस बात का। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।